तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर हम एक बार फिर से कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग माय हीरो एकेडमिया की हिंदी डब के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को रिपोर्ट किया था कि आपको इसकी हिंदी डब एपिसोड है वो कार्टून नेटवर्क पर सितंबर के मौके पर देखने को मिलेगी। तो आखिरकार हमारी रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही निकली, क्योंकि कार्टून नेटवर्क ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि आपको उसकी हिंदी डब एपिसोड है वो कार्टून नेटवर्क पर 10 सितंबर को देखने को मिलेगी एवरी संडे दोपहर 1 बजे। तो अगला अपडेट सी ड्रामा लवर्स के लिए है और साथ में एक्सक्लूसिव है। जी हाँ गाइस, 2018 में रिलीज हुई द लेजेंड ऑफ मंकी किंग, इसके हिंदी डब की कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, आने वाले समय में आपको ये चाइनीज फैंटेसी ड्रामा सीरीज है वो हिंदी डब में देखने को मिलेगी और आपको उसकी सीजन 1 में टोटल 45 एपिसोड देखने को मिलने वाली है। तो जो भी हो, अगर आप चाइनीज टाइम ट्रेवल टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं या फैंटेसी ड्रामा सीरीज, तो आप इस सीरीज के लिए वेट कर सकते हैं। आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल जाएगी हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग एनिमे को हिंदी में देखना पसंद करते हैं और काफ़ी दोस्तों कमेंट करके पूछ रहे थे कि टोक्यो रिवेंजर्स है वो हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी या नहीं। तो उन सभी को बता दो कि मैंने इस बारे में काफ़ी पता किया था, तो आखिरकार आपके लिए एक अच्छी अपडेट हाथ लग गई है। जी हाँ गाइस, इसकी हिंदी डबिंग का वर्क है वो इंडियन स्टूडियो में चल रही है। फिलहाल अभी ये फिक्स नहीं हो पाई है कि आपको कब तक देखने को मिल सकता है, और जिस सोर्स के तरफ से मुझे ये अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से सितंबर तक आपको देखने को मिल सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि मुझे इसकी प्लेटफार्म की फुल्ली कंफर्मेशन है वो नहीं मिल पाई है, यानी किस प्लेटफार्म पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि इसके सीजन 1 अभी करंची रोल पर अवेलेबल है, तो हाईली चांसेस है कि आपको करंची रोल इंडिया पर ही इसके हिंदी डब वर्जन वो देखने को मिल जाएगी। तो जो भी हो, अभी के लिए इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, अगर आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।